हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी के 34 वीक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो 34 वीक्स में ज्यादातर ट्विन्स बेबी का जो वेट होता है वो लगभग 2 kg के आसपास हो जाता है, एंड उनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 43 से 45 सेंटीमीटर तक के बीच में हो जाती है, एंड उनका जो आकार होता है तो वो एक बड़े बटरनट स्क्वेयर के आकार का हो जाता है। और 34 वीक्स से आपके बेबी में फैट की भी मात्रा बढ़ती रहती है, जिससे कि उनके वजन में लगातार वृद्धि होती है, एंड वो इस समय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उनके लगातार बढ़ने की वजह से आपके गर्भाशय में जगह कम होती जा रही है, और आपके शिशु की इंद्रियां बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं, और वे बाहरी दुनिया को बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं। इसलिए आप इस समय जो भी बोलती हैं, जैसा भी बोलती हैं, आपके बेबी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है, जो भी आप बोले बहुत ही अच्छा और सोच समझ कर ही बोले। और आप इस दौरान जो भी गाने गुनगुनाती हैं, तो डिलीवरी के बाद में वो जो आपके बेबी होते हैं वो उन गानों को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं। और आप जब भी प्रेगनेंसी के दौरान गाने गाती हैं तो बच्चे उन पर एक अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए आपको इस दौरान गाने वगैरह अच्छे अच्छे जरूर सुनने चाहिए। और आपके बेबी के मूवमेंट में वीक्स बाय वीक्स फर्क आता जा रहा है, जिसका रीजन होता है आपके गर्भाशय में जगह ना बचना, जिस वजह से वो ना तो प्रॉपर घूम पाते हैं और ना ही बहुत ज्यादा हलचल कर पाते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग वाली हलचल करते हैं। और इस वीक से आपके बेबी सर को नीचे कर लेते हैं, जिस वजह से आपके फेफड़े एंड आपके डायाफ्राम पर जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो जाता है, और ये दोनों चीजें वापस अपना रास्ता बना लेती हैं, जिस वजह से आपको ऊपर की साइड थोड़ा सा खाली खाली महसूस होगा, और अब तक जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसमें भी काफी रिलैक्स मिलेगा। और यह वीक्स आपकी प्रेगनेंसी का अंतिम वीक्स भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर ट्विन्स की डिलीवरी 34 वीक्स से 36 वीक्स के बीच में भी हो जाती है। और अब हम बात करते हैं आपके शरीर में क्या लक्षण रहेंगे। तो आपके शरीर में इस वीक से कुछ नए लक्षण भी आ सकते हैं जो आपने अभी तक महसूस ना किए हो। आपको कभी कभी धुंधला भी दिखाई दे सकता है, और ऐसा कई मुद्दों के कारण होता है, जैसे कि आपको थकान और आपके आंखों के अंदर और बाहर तरल पदार्थ का निर्माण एंड आपके हार्मोन भी हो सकते हैं। और जो आपके अभी तक सिम्टम्स थे, जैसे कि नींद ना आना एंड थकान होना, बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में दर्द होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, सूजन आना, तो ये जो भी सारे सिम्टम्स हैं, जैसे जैसे आपके वीक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सिम्टम्स बढ़ते ही जाएंगे। और आपको कब्ज, गैस एंड अपच की बहुत ज्यादा समस्या बढ़ सकती है, और आपके प्रेगनेंसी के बढ़ते हुए टाइम पर आपके बच्चे आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, इसलिए आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आराम जरूर करें। और आपका वजन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आपको शौचालय जाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, जिस वजह से आपको कब्ज भी हो जाता है, और आप जब भी फ्रेश होने जाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ सकता है, और इसलिए आपको किसी भी समय बवासीर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आप बस इतना कर सकती हैं कि आप एक संतुलित आहार लें एंड आप फाइबर युक्त डाइट लें, और आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या में राहत मिले और बाहर की चीजों से बिल्कुल दूर रहें। और आपके पैरों में सूजन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आप जब भी आराम करें तो अपने पैरों को फैलाकर एंड उसके नीचे तकिया रखें, जिससे कि पैर थोड़े ऊंचे रहें और आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, एंड आपको बहुत ज्यादा देर खड़े होकर काम नहीं करना है, नहीं तो आपकी सूजन और ज्यादा बढ़ेगी। और आपके अगर अभी तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं शुरू हुए हैं तो हो सकता है इस वीक से शुरू हो जाए, मतलब आपको एकदम से दर्द आना एंड उसके बाद में चला जाना। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए और आपको लगता है कि आपका समय से पहले दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क करते रहें, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और इस वीक्स में आपको अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या है, एंड आपके बच्चे में कोई भी जन्म दोष तो नहीं है, एंड आपका प्लासेंटा की पोजीशन क्या है,
और आपके बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और आपका एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है या फिर नहीं। और आपको इस समय ये भी डॉक्टर से क्लियर करना है कि आपकी डिलीवरी कब तक हो सकती है। एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी अचानक से पानी की थैली फट जाती है और आपके कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको दर्द जो रहता है पूरी बॉडी में उससे राहत पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर एक से ज्यादा अल्ट्रासाउंड बताते हैं या फिर कोई अदर चेकअप बताएं तो उनको जरूर करवाएं। और आपको डॉक्टर ट्विंस होने की वजह से हो सकता है इस वीक्स के बाद में जल्दी जल्दी बुलाएं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलें। और आपको इस समय डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा होगा बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होगी एंड बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप एक गहरी सांस लें और अपने आप को शांत रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और आपको इस वीक से चाय और कॉफी से दूर रहना है क्योंकि चाय और कॉफी आयरन के अवशोषण में बाधा डालते हैं। और आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप आराम से घूम सके एंड आराम से रिलैक्स होके बैठ सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।